आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव खैरखाता पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से 13 किलोमीटर दूर है। 4500 वोटों वाले इस गांव की कमान हाजी अकबर हुसैन के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में कितना विकास कराया है आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जवाब। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के खैरखाता ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास अब तक करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को जो है पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक करवा दिए हैं? मैं हाजी अकबर हुसैन ग्राम प्रधान खैरखाता ब्लॉक मुंडा पांडे तहसील व जिला मुरादाबाद का 4 साल हो चुके हैं जी। अब इसमें काफ़ी विकास गांव का किया है। काफ़ी विकास में ये रोड आते हैं, नालियाँ बनवाई, आवास बनवाए। कितने आवास यहां पर? आवास में 46 आवास तो हैं लोहिया जी, और 100 आवासें प्रधानमंत्री आवास। ये 146 आवास आपके कार्यकाल में जो बने ये बने हैं। दूसरी बात, रास्ते बहुत ख़राब थे गांव के, कीचड़ बीचड़ थी, उन रास्तों को मैंने सीसी बनवाया है जी। और जो बाकी रास्ते बचे हैं वो भी मैं सीसी कराने के प्रयास में हूँ। और 94 आवासों की लिस्ट मैंने दी है आवासों की, अब वो जब हो जाएगी उसके बाद आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि जो है मिल जाएंगे लोगों को। ये भी बताया है क्रम अधिकारियों ने कि ये अप्रैल में कुछ आवास आ सकते हैं जी। तो उसमें ये आवास बनवाने का काम भी किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन मैंने 135 फार्म भरे हैं जी। जिसमें अभी 36 आई हैं और आज 36 बनने का और भी काम हो रहा आगे है, जा रही है। 16 विधवा पेंशन कराई हैं, वो 16 की 16 सब आ गई हैं, उसमें 3 पेंशन अभी विधवा की रही हैं। उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो गरीबों के लिए सरकार ने दिए हैं मुफ्त में, आपकी ग्राम पंचायत में सभी को मिले हैं? हाँ, सभी को मिले हैं, कुछ लोग रह गए हैं उनको भी मिले हैं जी, मिल जाएंगे अब। हाँ हाँ, क्योंकि गैस कनेक्शन भी चंद लोग रहे हैं अभी जी, और वो उनको भी मिलेंगे। और जो है उज्ज्वल और क्या नाम है, ये बिजली कनेक्शन है, इनके मीटर पीटर भी लगभग 260-265 मीटर लगवाए हैं। किसानों को सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को मिला है? कम से कम किसानों को मिल पाया है 50% मिल गया है, 50% बाकी रहे। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या कार्य आपने करवा दिए? स्कूल में जो कार्य कराया कायाकल्प के मामले में, एक तो समरसेबिल कराए हैं, दूसरा बोर्डों पर काम कराया, बोर्ड पुटवाए हैं, तीसरा टाइल बिछवाई है ग्राउंड में, चौथा शौचालय में टाइल लगवाई है, और पानी की जो है व्यवस्था बढ़िया करी है उसमें, और रसोई का स्तर पहले पिछले कई सालों से और अब इन वर्षों में आपने शिक्षा के स्तर में छात्रों की संख्या में मतलब बदलाव देखा है? हाँ, वृद्धि हुई है। ऐसा था पीछे लगभग 125 छात्र थे, अब लगभग 200-250 छात्र हैं। और वो जो हमारे जो अध्यापक गण हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, और सही टाइम पर आते हैं, समय समय पर जो है जाकर देखते हैं। मैं रोज डेली दूसरे दिन वहाँ स्कूल में जाता हूँ, वो पूरा जायजा लेता हूँ। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ इस ग्राम पंचायत में स्कूल के अलावा बारात घर पंचायत भवन ये निर्मित है? नहीं, ऐसा है हमारे यहाँ जो है ग्राम समाज नहीं है जी। जिसकी वजह से एक ही आंगनवाड़ी केंद्र बन चुका है जी। बाकी अगर ग्राम, क्योंकि जो ग्राम है वहाँ घूर के गड्ढे हैं, वो घूर के गड्ढे में वहाँ पानी वानी भरा रहता है जी। जिसकी वजह से पंचायत भवन नहीं बना पाया, और स्वास्थ्य केंद्र जो है वो मिलक मेवाती खैरखाता में है जी। वो यहाँ जगह ना होने के कारण वो मिलक मेवाती में बन गया था, इसलिए परेशानी है। क्योंकि बड़ा गांव तो खैरखाता है जी जी। लेकिन उसमें अगर यहाँ होता तो और ज़्यादा फायदा होता। इसी में एक तो अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए सरकार से क्या प्रमुख एक तो अस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी आबादी है जिससे जो है लोगों को परेशानी होती है। और दूसरी बात ये रही बाकी, और यहाँ जो रास्ते का मामला है,
ये रास्ते सब हो जाएंगे तो स्वच्छ गांव तभी बनता है। कितने मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा गांव पूरा? लगभग ये कम से कम 1000 मीटर, 1500 मीटर से काम हो जाएगा इंशाल्लाह, शाम पूरा हो जाएगा। 94 परिवार आपने अभी बताए हैं जिन्हें आवास? हाँ हाँ, वो मैंने लिस्ट दी है जी, और वो जारी हुई जिसमे के 94 नाम दिए हैं। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है इन 4 वर्षों में, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ 150 लोगों को मिले हैं, जो कि अब तक शायद ही कुछ पंचायतों में इतने आवास बनवाए गए हैं प्रधान के कार्यकाल में। इसके अलावा ODA भी ग्राम पंचायत हो चुकी है। इसके साथ ही समस्याओं की तरफ यहाँ नजर करते हैं तो कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे आज भी लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है यहाँ अस्पताल को लेकर है। इसके अलावा बारात घर पंचायत भवन को लेकर भी प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। लगभग 1500 मीटर सीसी के लिए भी यहाँ प्रधान ने अपनी मांग रखी है। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र कुमार सर। किस पद पर हैं आप विद्यालय में? मैं प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या काम रहेगा? प्रांगण में ईंटें बिछवाई हैं और रसोई में बिछवाई हैं टाइल्स, और लैट्रीन में भी जो टाइल्स से बिछवाई हैं, दोनों दो लैट्रीन हैं दोनों तरफ, साथ में कर दूंगी कि दोनों में टाइल्स से बिछवाई हैं।